वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, जैसा कि एनसीईआरटी ने सभी क्लासेस के लिए जो सिलेबस है वो रिवाइज़ किया है, बहुत से जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हो गए हैं या कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं। इसी तरह से जो क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो नाइन्थ में थे अब टेंथ में चले गए हैं, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, उनका जो सिलेबस है वो भी रिवाइज़ हो गया है। कुछ टॉपिक्स जो है वो डिलीट हो गए हैं सिलेबस में, तो मैं यहाँ पे वही आपको बताऊँगा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम पहले मैथमेटिक्स में देखेंगे कि कौन सी चेंज आई। अगर हम रियल नंबर्स की बात करेंगे तो ये वाले टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ने हैं, यूक्लिडियन डिवीजन लीमा, ठीक है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये जो टॉपिक्स आपको नहीं करने। पॉलीनोमियल्स में भी आपको डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स ये नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पीयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी आप देख सकते हो बहुत से टॉपिक्स जो है वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, या ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपको नहीं करना है। या सम एप्लीकेशन में हम इंट्रोडक्शन जो आपके हैं वो आपको नहीं करना है, ठीक है। और जो आपको चैप्टर कंस्ट्रक्शन है उसमें आपको इंट्रोडक्शन या डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल, समरी, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है, ये भी आपको नहीं करना है। या पेरीमीटर, ये वाले टॉपिक्स आपको नहीं करने, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ने। सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये वाले नहीं। इस तरह स्टैटिक्स में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कट किया गया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आपको जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी वो आपको नहीं करना है। आंसर ऑफ एक्सरसाइज, वो भी आपको नहीं करने, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम साइंस की बात करेंगे, साइंस में जो चेंज है वो पीरियडिक क्लासिफिकेशन, जो फुल चैप्टर था सारा ख़त्म हो गया, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से जो बायोलॉजी में हम देखेंगे, जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है उसको रिप्लेस किया गया है बाय हेरिडिटी, ठीक है। तो ये जो वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आपको नहीं करने, यानी कि आपको जो ऑलमोस्ट इवोल्यूशन पार्ट वो आपको ख़त्म हो गया है, ठीक है। और ह्यूमन आई अगर हम फिज़िक्स में देखेंगे, ये भी आपको नहीं करना है, ह्यूमन आई एंड कलर, ये वाले टॉपिक्स, ठीक है, ये आपको नहीं करने हैं। कलर ऑफ सन, ये नहीं करने। इलेक्ट्रिसिटी में बॉक्स आइटम या फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ऑफ वायर, ये आपको नहीं करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, जो माइकल फैराडेज इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो आपको होता था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। और जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये आपका फुल चैप्टर ही ख़त्म हो गया है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। या सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल, जो बायोलॉजी का फुल पार्ट है, वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे हिस्ट्री में, जो इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड है, ये उसमें नो चेंज है, ये आपको करना है। तो दूसरा जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें आपको जो टाइप्स ऑफ रिसोर्स बॉक्स इंफॉर्मेशन, वो आपको नहीं करना है। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, इसमें जो ये टॉपिक्स हैं ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है। या एग्रीकल्चर में जो टॉपिक्स है ये वाले ये नहीं करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ये वाले नहीं करने हैं, ठीक है। तो बहुत से ज़्यादा चेंज आई है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई भी चेंज नहीं आई है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपको क्या करना है। जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है वो आपको फुल चैप्टर आपको ड्रॉप किया गया है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में जो इमेज ऑन पेज नंबर 46, 48 एंड 49, ये भी आपको नहीं करना है। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये भी ख़त्म। पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें जो पेज नंबर 76 है ये आपको नहीं है। डेमोक्रेसी टू चैलेंज डेमोक्रेसी, आपको फुल चैप्टर वो आपको नहीं करना है। और जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है।